आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। अपनी एम्बुलेंस में एक लाश लिए मैं पिछले 2.5 घंटों से एक ही रास्ते पर घूम रहा हूँ, मगर ना तो अभी तक इस लाश के घर वाले नजर आए थे और ना ही कोई दूसरा इंसान। रात के उस काले अंधेरे में वो रास्ता पूरी तरह से सुनसान नजर आ रहा था और यही कारण था कि मैं ये एम्बुलेंस चलाने का काम छोड़ना चाहता था। इस काम में इतनी परेशानी है कि सब कुछ बता पाना मुमकिन नहीं है। खैर, मैंने अपना फ़ोन निकाला और लाश के परिजनों को फ़ोन मिलाने लगा। पहली बार में तो किसी ने फ़ोन ही नहीं उठाया और दूसरी बार फ़ोन करने पर सामने से आवाज़ आई, अरे भैया कहाँ हो आप, अभी तक लाश लेकर निकले नहीं क्या? इस पर मन तो कर रहा था फ़ोन में घुसकर साले को मारूं, मगर मैं मजबूर था। तभी मैंने कहा, अरे भैया मैं तो इसी रास्ते पर भटक रहा हूँ तब से, आप कहाँ हो? अभी मैंने इतना कहा ही था कि तभी सामने की तरफ फ़ोन पर बात करता हुआ मुझे कोई शख्स नज़र आने लगा। वो अकेला नहीं था, उसके साथ 3-4 और लोग भी थे। मैं समझ गया कि शायद यही लोग होंगे इस लाश के परिजन, इसलिए मैंने एम्बुलेंस रोककर एक दफ़ा कन्फर्म कर लिया। फिर मैंने फटाफट वहां पर लाश उतारा और पैसे लेकर वापस हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़ा। अब रात और भी गहरी हो चुकी थी, क्योंकि फ़िलहाल मैं जिस जगह पर था वहां से हॉस्पिटल काफ़ी दूर था, तो अभी हॉस्पिटल पहुंचने में वक्त लगेगा। एम्बुलेंस अपनी पूरी रफ्तार से उस सुनसान रास्ते पर दौड़े जा रही थी। हालांकि आधी रात के पहर किसी भी रास्ते का इस तरह सुनसान होना स्वाभाविक था, मगर कम से कम एक स्ट्रीट लाइट तो देनी चाहिए। ऊपर से उस रात मेरा हेल्पर भी मेरे साथ नहीं था। शायद उस 10 किलोमीटर के दायरे में, यानी जहां तक वो सड़क थी, उस पर मैं ही इकलौता जिंदा इंसान था। मेरी जगह अगर उस माहौल में कोई और होता तो शायद डर जाता, मगर मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि रात बिरात ऐसे रास्तों पर सफ़र करना ही मेरा काम था। मगर तभी दूसरे ही पल मैंने रोड पर कुछ ऐसा देख लिया जिससे मैं थोड़ा घबरा सा गया, क्योंकि सामने रोड के बीचों बीच कफन में लिपटी एक लाश जमीन पर पड़ी हुई थी और उस लाश के आसपास कोई इंसान नहीं था। मैं सोच में पड़ गया कि आखिर ये लावारिस लाश सड़क पर क्यों पड़ी है। मुझे काफ़ी हैरानी हुई, मगर उस लाश को ऐसे छोड़कर जाना भी मुझे ठीक नहीं लगा, लिहाजा मैंने अपनी एम्बुलेंस को उस लाश के पास रोका। वो लाश कफन में पूरी तरह से लिपटी हुई थी, मतलब ये कि उस लाश का चेहरा भी नहीं दिख रहा था और ना ही कफन हटाकर उस लाश का चेहरा देखना मुझे ठीक लग रहा था, क्योंकि किसी भी लावारिस लाश को ऐसे छूना ठीक नहीं होता। खैर, मैं गाड़ी से नीचे उतरा और सोचने लगा कि अब क्या करना चाहिए, मगर मुझे कुछ नहीं सूझ रहा था। अभी मैं वहां खड़े खड़े सोच ही रहा था कि तभी सामने की तरफ से चलकर कोई शख्स मेरी ओर आता हुआ दिखा। मुझे लगा शायद ये मेरी कुछ मदद कर सकता है, लिहाजा मैं चलते हुए उस आदमी की तरफ जाने लगा। उस आदमी ने अपना पूरा शरीर और चेहरा एक चादर से ढक रखा था, जैसे उसे ठंड लग रही हो। मगर अजीब बात तो ये थी कि मौसम गर्मी का था, तो फिर इस तरह से चादर ओढ़ने का क्या मतलब हुआ? खैर, मैं उस आदमी के पास जाकर रुका और बोला, भाई साहब पीछे वो लाश किसकी पड़ी है आप जानते हैं क्या? इस पर उस आदमी ने कहा, आपके पीछे? पर वहां तो कोई लाश नहीं है। इस पर मैंने कहा, क्या बोल रहे हैं आप,
अभी तो वो लाश पीछे ही पड़ी थी। इतना बोलकर मैं जैसे ही पीछे मुड़ा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वो लाश अब मेरे पीछे से कहीं गायब हो गई थी। मगर ये कैसे हो सकता है? आखिर इतनी जल्दी कोई बेजान लाश कहाँ गायब हो सकती है? मुझे कहीं ना कहीं समझ में आने लगा था कि जरूर दाल में कुछ काला है, और अगर मैं यहाँ रुका तो मेरे लिए ठीक नहीं होगा। इसलिए मैं भागकर एम्बुलेंस की तरफ जाने लगा। अभी मैं एम्बुलेंस की तरफ भाग ही रहा था कि तभी पीछे से उस चादर वाले आदमी ने कहा, ये गलती मत करो, वो गाड़ी में है। उस आदमी के इतना कहते ही एम्बुलेंस की हेडलाइट अपने आप ही ब्लिंक करने लगी। मुझे लगा ये आदमी ठीक बोल रहा है, और मैं एम्बुलेंस की तरफ ना जाकर वापस उस आदमी की तरफ जाने लगा। जैसे ही मैं उस आदमी के पास पहुंचा तो उसने कहा, आप चलिए मेरे साथ, यहाँ आपकी जान को खतरा है। इस पर मैंने कहा, पर मेरी एम्बुलेंस, उसका क्या होगा? इस पर उस आदमी ने कहा, अरे एम्बुलेंस को मारिए गोली, जान बचेगी तो बहुत एम्बुलेंस मिल जाएंगे, जल्दी चलिए आप मेरे साथ। मुझे भी उसकी बात ठीक लगी, और मैं उस आदमी के साथ रोड के किनारे वाले जंगलों में जाने लगा। वो जंगल बहुत ज्यादा घना था, और लाइट भी एकदम नहीं थी उस जंगल में। मुझे बिना रोशनी के चलने में बहुत दिक्कत हो रही थी, मगर वो आदमी, उसे शायद घने अंधेरे से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो एक ही धुन में बिना किसी रुकावट के चले जा रहा था। रात अब और भी ज्यादा काली और गहरी हो चुकी थी। कहीं ना कहीं मुझे अपनी परिस्थिति पर रोना आ रहा था कि मैं कहाँ फंस गया। अच्छा खासा हॉस्पिटल जा रहा था। अगर रास्ते में नहीं रुकता तो शायद आज ये मुसीबत गले ही ना पड़ती। खैर, अब जब मुसीबत मोल ली ही है तो झेलना भी पड़ेगा। यही सोचकर मैं उस आदमी के पीछे पीछे चलता रहा। यूं ही कुछ देर तक चलते रहने के बाद वो आदमी एक छोटे से घर के बाहर रुका और मुझसे बोला, ये मेरा घर है, आइए। इतना कहकर उस आदमी ने घर का ताला खोला और दरवाजा सरकाकर अंदर आने का इशारा किया। उस आदमी के साथ ही साथ मैं घर के अंदर दाखिल हुआ। घर के अंदर रोशनी का कोई जरिया नहीं था। रोशनी करने के लिए मैंने अपना फोन निकाला और फ्लैशलाइट जलाकर चारों तरफ देखने लगा। तभी मैंने उस आदमी से कहा, लाइट नहीं है क्या यहाँ पर? इस पर वो आदमी बोला, जंगल में लाइट कहाँ से आएगी साहब? इतना कहकर उस आदमी ने एक कुर्सी को मेरे सामने किया और बोला, बैठिए साहब, देखता हूँ अगर कुछ खाने के लिए मिले तो लाता हूँ। इस पर मैंने कहा, अरे इसकी क्या ज़रूरत है? मगर वो चादर वाला आदमी नहीं माना और एक दरवाजे से होकर शायद किचन रूम में चला गया। सच कहूँ तो मुझे बहुत तेज भूख लगी थी। मैं अपनी फ्लैशलाइट घुमाकर चारों तरफ से उस घर को देख रहा था। वो घर काफ़ी पुराना सा लग रहा था। घर में हर एक कोने पर मकड़ी के जाले लग चुके थे। धूल की एक मोटी परत चारों तरफ एक चादर की तरह बिछी हुई थी। खैर, इतने में ही वो आदमी एक प्लेट में कपड़े से ढककर कुछ लेकर मेरी तरफ आने लगा। मुझे थोड़ा अजीब लगा कि आखिर ये प्लेट में ऐसे ढककर क्या ला रहा है। तभी मैंने उस आदमी से पूछा, ये क्या भाई साहब? इस पर उस आदमी ने कहा, आप खुद ही देख लीजिए। उसके इतना कहते ही मैंने प्लेट के ऊपर से कपड़े को हटाया तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि प्लेट में कुछ और नहीं बल्कि मेरा ही कटा हुआ सर था। मैं ठिठक कर एकदम से कुर्सी से नीचे गिर गया। इतने में ही उस आदमी ने भी अपने शरीर पर से चादर हटा दिया तो उसका शरीर देखकर मेरी रूह कांप गई, क्योंकि उसके शरीर में मांस ही नहीं था। उसका शरीर पूरा कंकाल जैसा था।
मैं समझ गया कि ये शख्स मेरी मदद करने के लिए नहीं बल्कि मुझे मारने के लिए यहाँ लेकर आया है, और अगर मैं यहाँ रुका तो हो सकता है ये अपने मकसद में कामयाब हो जाए। जिसके बाद मैंने जो दौड़ लगाई तो सीधे भागकर एम्बुलेंस के पास आया और एम्बुलेंस भगाकर वहां से निकल गया। बाद में मुझे कहीं से पता चला कि वो रास्ता हॉन्टेड है। उस रास्ते पर अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती हैं। बहुत से लोगों ने उस चादर वाले आदमी को देखा है। कुछ लोग तो अपनी जान भी गंवा चुके हैं। उस दिन के बाद से मैंने एम्बुलेंस चलाने का काम ही छोड़ दिया और कभी भी उस रास्ते पर रात के वक्त नहीं गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।